संविदा पे भर्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ठेका प्रथान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए पूरे देश में नौजवानों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके रोजगार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश भर में जो सरकार के द्वारा नीति लाई गई है कि सेना में जो भर्तियाँ होंगी 4 साल के लिए अस्थायी भर्ती की जा रही है, उस पर नौजवानों का गुस्सा है। देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध दर्ज किया जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोग इलाहाबाद के इस पत्थर गिरजाघर पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि इस देश में सुरक्षा के साथ इस देश की सेना भर्ती में होने वाले खिलवाड़ को मोदी सरकार तत्काल बंद करे, इस तरह के फैसले वापस ले, क्योंकि नौजवानों के साथ खिलवाड़ है, भद्दा मजाक है। 4 साल के बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास कोई अवसर नहीं रहेगा, वो उनके साथ एक तरीके का मजाक है। उनकी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, रोजगार बर्बाद होगा। 25% जिन लोगों को वो रख लेंगे, बाकी के जो लोग कहाँ जाएंगे उसकी कोई सुनियोजित प्लान नहीं है इस नीति में। इसलिए सरकार को ये 4 साल की जो अस्थायी सेना में नियुक्ति का जो फैसला है तत्काल इसे वापस लेना चाहिए और देश से माफ़ी मांगे कि युवाओं के साथ इस तरह का भद्दा मजाक नहीं चलेगा और युवा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे देश भर में विरोध हो रहा है और उसी के तहत हम लोग भी इलाहाबाद में इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं।